अरे माँ, दिन भर बाहर थी ना, तो हो सकता है ऑफिस में बिजी होंगी और क्या। ये भी तुम ठीक बोल रही हो, पर सुनो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। कल से घर जल्दी आना है। ठीक माँ। हाँ, एक्चुअली मेरी फ्रेंड का बर्थडे है और उसने इनवाइट किया है, तो मैं जाऊँ? जाओ बेटा, अगर अभी एंजॉय नहीं करोगे तो कब करोगे? थैंक यू मॉम। माँ, मैंने आपका खाना डाइनिंग टेबल पर रख दिया है, आप प्लीज खा लीजिए। ये कैसे ड्रेस पहन के जा रही हो? माँ, इस ड्रेस में क्या प्रॉब्लम है? हमारे घर में ऐसी ड्रेस अलाउड नहीं है। पर माँ, पर वर पूछ के जाके ड्रेस चेंज करो। माँ, अगर इस तरह की ड्रेसेस हमारे घर में अलाउड नहीं है तो आप बताओ किस तरह की ड्रेस कैसे अलाउ कर सकते हैं? वो पार्टी में गई थी। मैं ऑफिस प्रेजेंटेशन के लिए जा रही हूँ। ओह, अब तुम आगे के खिलाफ बात करेगा? सब लोग ठीक ही कहते हैं, पत्नी आने के बाद बेटा बदल जाता है। माँ, वो बात नहीं है। अब खुश हो? कर दिया मेरे बेटे से अलग मुझे। मैंने क्या किया माँ? हाँ श्रद्धा, माँ ठीक ही कह रही, तुम्हें सब कुछ। आप भी? हाँ, तुम्हें मेरी माँ से बात करनी चाहिए थी पर तुमने नहीं, उसी कारण अब मुझे बात करनी पड़ी। माँ, मुझे पता है आप मुझसे और गीता से बहुत प्यार करते हो और शर्मा कोई प्यार करते, लेकिन आप उसे अलग कैसे देख सकते हो? मतलब क्या है तुम्हारा बेटा? मैं जब गीता लेट नाइट पार्टीज के लिए जा सकती है तो शर्मा क्यों? जब गीता कुछ भी पहन सकती है तो शर्मा क्यों नहीं? पूरा दिन गीता अपने बिस्तर पर बैठ के फोन चला, लेकिन शब्दा ऑफिस जाती है, घर का पूरा काम संभालती है, लेकिन शब्दा ऑफिस के कॉल्स भी घर में अटेंड नहीं कर सकती है ज्यादा लेट। ऐसा क्यों माँ, ऐसा क्यों? जवाब दो माँ, आप चुप क्यों? नहीं है ना कोई जवाब? मैं बताता हूँ, क्योंकि गीता आपकी बेटी और शब्दा आपकी बहू है। बहू है तो क्या हुआ माँ, वो भी आपकी बेटी ही है ना, दोनों को एक तरह देखना सीख लो माँ। गीता आपकी खुद की बेटी, लेकिन श्रद्धा को तो भगवान ने हमारे लिए बेटी चुना है माँ, उसे एक ही तरह प्यार देना सीखो माँ, दोनों को एक ही तरह प्यार देना सीखो।